कांग्रेस ने अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा दुष्प्रचार वो कर रही है। सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अगर वो ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसके ऊपर। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमने हरियाणा में निर्णय किया है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टक्कर मारकर भागना, हिट एंड गो मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित कंपनसेशन स्कीम 2022 25 फरवरी को अधिसूचित की गई। हमने हरियाणा में भी भारत सरकार की इस योजना के तर्ज पर एक सरलीकृत योजना को लागू करने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहां जाता था ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा कौन नहीं देगा। अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको नियरेस्ट चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है
उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये निर्णय हमने किया है और ये सारा का सारा खर्चा ये जो वहन होगा ये हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा, हमने इस स्कीम के अंदर लिया है। इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी समिति का एक गठन करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी तथा साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को वो भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिए जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत, अगर दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान उसके परिजनों को किया जाएगा, घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा दिया जाएगा।